Hey guys, we are at Victoria in British Columbia. So come, let's explore with us. तो विक्टोरिया में घूम के मजा आ रहा है बहुत ही, और हम इतना चले हैं ना, दो दिन से इतना चल हुए हैं. रात को लिटरली आई थिंक 11:30 को मैं इसे रुकी थी कि 12 बजे के मैं मॉल को विश करूंगी, लेकिन मुझे इतनी नींद आ गई मैं से देखते 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 सो गई. गाइस आप लोग बताना, आपको भी पार्टनर ऐसा 12 बजे आपको विश किया है कि सो गया? बट वी सेलिब्रेटेड आवर बर्थडे, सेलिब्रेट किया फिर उसके बाद. हां फिर सेलिब्रेट किया अच्छे से हमने. उसके बाद मतलब हम ये देख रहे थे, हसल देख रहे थे, और हसल देखते देखते मेरा हसल खत्म हो गया और मैं सो गई. इतना वॉकिंग करा के मोहित मुझे लेकर आया है यहाँ पर पब्लिक मार्केट. चलो देखते हैं जाकर क्या है अंदर. मोहित लिटरली हर एक कोना देखना चाहता है लगता है यार. चाइना डाउन है वो. हाँ वो चाइना डाउन है. पब्लिक मार्केट, पब्लिक मार्केट. चलो अभी देखो गाइस, धूप निकली हुई है और देखो क्लियर स्काइज. शुड हैव कम हियर मोर, मे बी वी कैन कम टुमारो. गाइस पब्लिक मार्केट तो देखकर हो गया हमारा, अरे कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था. पब्लिक मार्केट जैसे नाम है पब्लिक मार्केट, वहाँ पे लोगों ने अपने छोटे छोटे स्टॉल लगाए हुए थे, जैसे आई थिंक रिफर्बिश्ड सामान रखे हुए थे. एंड right now we are not in the mood to buy refurbished, you know me. मोहित है ना मेरे को, मोहित है ना मुझे नया चीजें खरीद के देने के लिए. क्यों मो? ये भी बहुत ये है. Oh, is this a Chinese temple? Oh, it's a school. Chinese public school. Wow. यहाँ पे बाओ मिलता है. ये हम वापस वहीं पे आ गए क्या? फैंटांग गाली के यहाँ पे. मैंने बोला था तुझे फोटोज खींचने फैंटांग गाली के लिए, मैंने वापस नहीं करा. अच्छा. क्या जोरों की हवा चल रही है गाइस, क्या जोरों की हवा चल रही है, क्या धूप आया हुआ है. अभी देखो लिटरली ना फेस ठंडा हो गया पूरा, थोड़ा टाइम में फेस सुन हो जाएगा मुझे लगता है. और यहाँ पर सारी बोट खड़ी है, सी प्लेन खड़ी है, सी प्लेन खड़ी हुई है, और वो लगता है मुझे वो छोटी बोट्स भी लेके जाती है शायद. एक बार जाकर देखते नीचे. तो गाइस हम लोग ना यहाँ से नीचे आके देख रहे हैं, अगर वो बोट टैक्सी मिलती है ना तो सही हो जाएगा अपने के लिए, इजी हो जाएगा थोड़ा. यहाँ पे एक्चुअली ये जो टैक्सी होती है ना, इस लोग एक शो भी करते हैं यहाँ से. यहाँ पर करते हैं या वहाँ पर करते हैं पता नहीं. कैसा शो? जैसे ये जो छोटी छोटी टैक्सी है ना, बोट टैक्सी क्या बोलते हैं उसको, वो ऐसे डांस वगैरह करते, मतलब गोल घुमाते, चार पाँच बोट, छः बोट, ऐसा एक वीडियो मैंने देखा था. डाल दूंगा अगर, अभी हमको देखा नहीं है लेकिन मैं आपको रेफरेंस के लिए डाल दूंगा. अगर आप लोग कभी आओगे तो देख सकते हो, वरना पता तो चल जाएगा कि आपको क्या क्या होता है न्यू देश में. अब नहीं आओगे तो कोई बात नहीं, हमारे ब्लॉग से तू देख लो भाई दूसरे कंट्री में क्या होते हैं, मतलब कनाडा में क्या होते हैं. फिलहाल के लिए दूसरे कंट्री जाएंगे, फिर तभी कुछ दूसरा बताएंगे. आइलैंड में घूमने के लिए कितना मज़ा आ रहा है ना. बहुत ब्यूटीफुल लगता है आइलैंड में घूमना मुझे, बहुत अच्छा लगता है. मुझे बहुत अच्छा लगता है आइलैंड, बहुत ब्यूटीफुल होते घूमने के लिए. ये मेरा सेकंड आइलैंड है. मैंने इससे पहले मैं गई थी एक सेंट माइकल्स आइलैंड में, एंड इट लिटरली लाइक पानी सूख गया था. So you can go there. अगर वहाँ पे पानी आ जाएगा तो you can't go there. चलो देखते हैं भाई, या फिर ट्रेन में जाना पड़ेगा क्या? तो गाइस यहाँ पर भी आप बैठ के खा सकते हो, चिल कर सकते हो, और यहाँ का फेवरेट फूड इज फिश एंड चिप्स. भावना का भी फेमस या फेमस इज फिश एंड चिप्स. भावना का भी है. I love fish. I could eat as many fish as I can. I cannot eat. मैं तो बिल्कुल नहीं खा सकता, एक हाफ पीस खा सकता हूँ, बट नॉट अ होल पीस. इट्स नॉट माई चॉइस, बिकॉज जो फिश, अगर फिश के ऊपर डिपेंड होता है, फिश अगर कोई सॉल्टी फिश रहेगी तो आई कैन ईट, बट अगर फिश एकदम वो रहेगी तो सॉरी.
बट हम बॉम्बिल बहुत खा सकते हैं। बॉम्बिल तो अनलिमिटेड खा सकता हूँ मैं, जितना बॉम्बिल लग गया घुस तो हो गया भावना को पैर में, इतना उसने छाता मार दिया अपने पैर पे। मैंने नहीं, तूने मारा। दो बार लग गई है इसको छाते से। ये चीज मैं सिर्फ मूवीज में देखी थी और फर्स्ट टाइम अब मैं कनाडा के देख रहा हूँ सी प्लेन, तो यहाँ से उड़ती है भाई। एम्प्रेस होटल वो कल अपन ने देखे थे, लेजिस्लेटिव। और ये पार्ट मुझे वैसे लग रहा है ना वो संजू मूवी में, नहीं क्या संजू आता है एकदम फुल, वो लंदन ब्रिज था जहाँ पे संजय दत्त का मूवी शूट हुआ है, बट इट्स लाइक इट्स गिविंग अ सेम वाइब, सेम वाइब वैसी आ रहा है, लंदन ब्रिज वाइब। और ये देखो ये होटल है और वो कूजे से ये सब की आज है, और ये क्या मस्त लग रहा है, ब्यूटीफुल। तो गाइस अभी हम लोग सोच रहे हैं कि ये वाटर टैक्सी लेने का, वाटर टैक्सी का भी एक्सपीरियंस लेते हैं और जाकर देखते हैं कि क्या चार्जेस है, कितना प्राइस है, एंड अपन को किधर जाना है, फिशरमैन वॉक्स अगर ये टैक्सी लेकर जाती है तो। ये भी हम लोग को लेट हो गया, 5 बज चुके हैं और वो विक्टोरिया में मोस्टली एवरीथिंग क्लोज्ड है अर्ली। हाँ तो वो लोग बोल रहे हैं कि अगर यहाँ से हम लेकर जाएंगे तो हमको 20-25 मिनट लगेगा, और फिर आते समय तुम लोग वहाँ से चल कर आना बोल रहे हैं क्योंकि टैक्सी बंद हो जाएगी। और गुड टू नो थिंग इज $15 पर पर्सन के चार्जेस है यहाँ पर, तो अगर आप आते हो तो $15 में पर पर्सन के हिसाब से आप जा सकते हो, घूम सकते हो, एंड फिर रिटर्न आने के $15, एक साइड का $15 है, $15। तो भैया गुड टू नो थिंग्स। अभी हम लोग फिर से इधर पहुंच गए लेजिस्लेटिव के पास, देखते अपना कुछ काम जो अड़का हुआ था वो बात भी करते हैं। कोहिनूर वापस मांगने आए क्या? हाँ कोहिनूर देखते, कहीं यूके के बदले इधर तो नहीं छुपा के रखा है डर के मारे। नो इट्स ऑन जो क्राउन है ना, मेन क्राउन उस पे लगाया गया है कोहिनूर। वो मेन क्राउन कहीं यहाँ तो नहीं है क्या? वहीं पर उनके पास ही जो किंग है वो पहनता है ना। किंग को डर नहीं लगता? किंग ऑलवेज ही डजंट वेयर इट, जस्ट के कोई फंक्शन होते हैं या हां कोरोनेशन जब हुआ था किंग का तब उसने पहना था। वाह वो देख वो बैंड प्ले कर रहा है ऊपर, उसी का मजा। दिस इज अ वेरी यूके थिंग। हां यूके थिंग है, पाइपर, बैक पाइपर। लेट्स गो अपस्टेयर्स एंड सी व्हाट इज हैपनिंग देयर। लेट्स गो। बहुत ज्यादा धूप आ रही है यार, अभी तो चश्मा लगेगा ऐसा लग रहा है मुझे। यू सी हाउ द वेदर इज, यू जस्ट सॉ, सब चेंज हो जाता है 2 मिनट में। देखो अभी गर्म भी होने लग गया मुझे तो यहाँ पर। आज कल देखो कोई नहीं था यहाँ पर, आज देखो जबर लोग ही लोग हैं। तो गाइस अभी हम लोग पूरा ऐसे साइड साइड से चल के, आप बिलीव नहीं करोगे, एकदम वो दिख रहा है आपको वो कॉर्नर, रुक जाओ थोड़ा आगे, देख क्रूज आ गई बीच में, थोड़ा आगे जाके बताता हूँ आपको, आप बिलीव नहीं करोगे। लिटरली वो ब्रिज दिख रहा है, वो वाला ब्रिज, वो वाला वाइट वाला जो ब्रिज है ना, वहाँ से हम लोग, मतलब वो चाइना टाउन है वहाँ का। दिस इज, देखो छाता क्या मस्त काम आ रहा है, वो चाइना टाउन है। हम लोग वहाँ से पूरा ऐसे चल के विक्टोरिया, फिर यहाँ से अंदर अंदर से साइड वॉक, साइड वॉक ये वाला वॉक लेते लेते अभी हम लोग कहाँ पर पहुँच गए पता है आपको? द फिशरमैन्स वॉक। ये है फ्लोटिंग हाउस, देखो कश्मीर में देखा होगा ना, कश्मीर वालों यहाँ पर भी देख लो फ्लोटिंग हाउस है यहाँ पर। wow. और देखो ना क्या ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ से, जबरदस्त। ये गाइस देखो फ्लोटिंग हाउस मस्त बनाया, घर मस्त बनाया लेकिन। सो गाइस हम लोग आ गए फिशरमैन्स वॉक, ये रहा वेलकम टू फिशरमैन्स वॉक। और द बेस्ट थिंग ये कि हम लोग ने $15 वेस्ट नहीं किए, हम चल चल कर ही आ गए, अभी हम चल कर जा भी सकते हैं। वैसे हम लोग को लगा दूर होगा बट इतना ज़्यादा दूर नहीं था, अंदर से आया हम लोग को शॉर्टकट लगा, अगर हम रोड से दिखा रहा था ये 15-20 मिनट्स का रास्ता। हम लोग अंदर दे रहे तो मैं फिश एंड चिप्स खिला दो या चलो खा सकते अभी।
हम लोग 7-8 मिनट्स में पहुंच गए और देखो क्या मस्त नज़ारा है यहाँ पर, एकदम ब्लू येलो घर ही घर है, मैक्सिकन सी फूड। यहाँ पे काला घोड़ा फेस्टिवल चल रहा है क्या? घोड़ा खड़ा इधर काला। इधर भी आता क्या? ये एक लेन में भी प्राइवेट होम प्रॉपर्टीज। ये देख ये लोगों के घर है। I feel we should have our dinner here only. यहाँ पे डिनर के लिए नहीं, यहाँ पे only snacks. ये देखो। चलो थोड़ा अंदर पैदल भी चलते हैं। गाइज हम जहाँ खड़े हुए हैं ना ये भी हिल रहा है, तो सोचो जो घर के अंदर रह रहे रहेंगे उनको क्या फील होता रहेगा यार। देखो पूरा घर हिल रहा है अगर आप ध्यान से देखोगे तो, पानी से देखो। तो मैंने यही भावना को बोला था कि फिशरमैन क्रॉस जाते हैं वहाँ पर बोट हाउस है, नहीं बोट हाउस हाँ फ्लोटिंग हाउस है मैंने बोला था। तो फ्लोटिंग हाउस का मतलब मेरा ये था कि भाई उधर घर हिलते, और भावना मुझे बोलती कि नहीं ये तो कश्मीर में भी होते, लेकिन कश्मीर में जो होते हैं वो ऐसे पहाड़ों के बीच में रिवर के बाजू में टच होके लगे होते, लेकिन ये पूरा ओशन है, ये पैसिफिक ओशन को ज्वाइन होता है आगे। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी क्रूज आती है, आगे जो यहाँ से क्रूज जाती है वो सियाटल के लिए जाती है, यहाँ पे जाती है वैनकूवर के लिए। और पैसिफिक ओशन है ये पूरा, और यहाँ पर पूरा घर हिल रहा है, लोग इसके अंदर रहते हैं। देखो कितनी बड़ी बड़ी क्रूज चल रही है। हाँ कश्मीर में जो होता है वो बोट हाउस है और घर भी इसके चीजों के बाहर रहे, मतलब माउंटेन से लगे हुए, लेकिन दिस इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, पूरा घर हिल रहा है यहाँ पर। और ये देखो ये जा रही है वेल वॉचिंग के लिए। गाइज अगर मैं कैमरा स्टेबल रखूँ तो ये हो रहा नहीं, क्योंकि जो मैं जिसमें खड़ा हूँ ये वुड में, ये भी हिल रहा है। ये देखो ये भी हिल रहा है। अब थोड़ा स्टेबल करके देखते हैं घर हिल रहे हुए दिख रहे क्या नहीं आपको। वे भाई देखो अब देखो अब देखो, ओ भाई खतरनाक खतरनाक एक्सपीरियंस है। कैसा लगा? और देखो ना, चलो ऐसे हाउस तो मैं समझ भी सकता हूँ कि चलो इधर बने हुए है, लेकिन ये क्या चीज है भाई? ये देखो दो माले का सीधा। रखा है ना, देखना नीचे उनके सब टब्स अकेले, देखना नीचे टब्स वगैरह है पूरा। वहाँ से हम आए हैं ये साइड रोड से, हम एग्जैक्टली यहाँ पर थे चाइना टाउन में। ट्राउट आइली देखकर फिर ये हम लोग जिधर आपको प्लेन दिखाए, फिर ये एम्प्रेस डॉक जो लेजिस्लेटिव बिल्डिंग के पास था, चल के यहाँ पर आए हैं। और ये देखो हम कहाँ पहुँच गए, गाइस ये देखो ये घर पे सबके प्लांट्स वगैरह भी रखे हुए, और वो घर की बालकनी देखो, ऊपर बालकनी भी है और नीचे भी बालकनी है। सो गाइस हम लोग आ गए यहाँ पर, इधर है सेलिब्रेटिंग 40 इयर्स ऑफ वर्ल्ड फेमस फिश एंड चिप्स, और हम लोग ये खाएंगे क्योंकि यहाँ का फेमस है फिश एंड चिप्स, तो जो फेमस वाला है वो लेंगे 2 पीस। चलो सो हम ले रहे हैं द फेमस वर्ल्ड फेमस फिश एंड चिप्स। And Mohit is paying. Why is it world famous? Why is it world famous? I actually don't know. Oh, it's not that. इतनी beautiful जगह आकर अगर हम कुछ खाए नहीं तो कैसे होगा? What happened? हो गया payment. हो गया? Now. दी देखो कैसे मोबाइल से आजकल पेमेंट कर रहे हैं मोमो. हाँ मो इतनी अच्छी जगह आए और कुछ खाए नहीं तो कैसे कंप्लीट होगा? व्हाट इज दैट पेजर?
So the light will blink when the order is ready. Oh, चलो. So guys, ये है pop station. हम यहाँ पे unlimited drink पी सकते हैं. Unlimited $40. ठीक है. Orange. Orange crush. Ginger ale. Root beer. What is root beer? I don't want to do that. Lemonade है. I want to try. Lemon ice. Hey, what? I just want to try how it tastes. पीछे लोग हैं. I don't know. It's like Pepsodent. Seriously, sir. Oh, yeah. Right? Close up. हाँ. कुछ तो है ये close up. Close up भी है. हाँ. Guys, ठंडी बढ़ते ही जा रही है. जैसे शाम हो रही है ना, ये ठंडी बढ़ती जा रही है. ठंडी बढ़ते ही जा रही है. तो गाइस ये भजिया अपना ऑर्डर रेडी है. मतलब वाइब्रेट रहे दो, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा है ये. गाइस भावना देखो, खाना लेती नहीं है, वीडियो निकालने लग जाती है इधर. खाने तो भाई, भूख लगा इतना ठंडी में. एंड हमारा ये वर्ल्ड फेमस फिश एंड चिप्स आ चुका है. ये रहा, जैसे कि भावना ने आपको दिखा दिया अपना फिश एंड चिप्स. और इधर केचप लेकर आ गया हूँ, पेप्सी है इधर. लेट्स ट्राई. तो गाइज़ हम लोग का खा पी कर हो चुका है और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं. और थोड़ा अंधेरा हो गया है, इससे पहले कि ज़्यादा डार्क हो जाए अपन चल चल के फटाफट अपने होटल के पास जाते हैं. क्योंकि ना यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का कुछ भी चांस नहीं है. जो यहाँ से बस का रूट दिखा रहा है वो 26 मिनट दिखा रहा है और वॉकिंग दिखा रहा है 22 मिनट्स. तो सोचो, आधा घंटा बस के लिए रुकने से अच्छा तो मैं 20 मिनट में चल के पहुँच जाऊँगा. तो अभी भावना को बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है. और लिटरली यहाँ पर ना, आप बिलीव नहीं करोगे, सडनली फ्रीजिंग कोल्ड है. थोड़े टाइम पहले ही मैं आपको बोल रहा था ना कि यहाँ पर क्लाइमेट में कुछ बोल नहीं सकते. और गर्म हो रहा था तभी हम लोग को, और अभी एकदम फ्रीजिंग कोल्ड हो गया है. लिटरली शिवर कर रहे हैं हम लोग. और मैंने तो जैकेट भी नहीं पहना, मतलब हुडी टाइप पहना है. और लकीली मैं वार्मर पहन कर आया था अंदर, और भावना ने मस्त में जैकेट लेकर आई थी. लकीली सही टाइम पर लेके निकली, वो बहुत बड़ी बात थी. तूने ही बोला था मुझे जैकेट ले जा. हाँ, मैंने ही बोला था कि एटलीस्ट जैकेट ले ले. और अभी काम आ गया. ये वीडियो अपन यहीं पर एंड करते हैं. और अगर रात को कहीं बाहर निकले तो नेक्स्ट वीडियो में देख लेना. और कल तो हम लोग फोटोज वगैरह खींचने वाले हैं. एंड शायद से कल हम यहाँ से चले जाएंगे वैनकूवर. तो आपको न्यू व्लॉग में पता चल जाएगा कि हम क्या करने वाले. तो बस इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड. मिलते हैं आपको न्यू वीडियो में. तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सी इन द नेक्स्ट व्लॉग. बाय बाय. एंड हाई फाइव.